और यहां थोड़ा आता है अर्थशास्त्रियों का संबंध। हम जैसे एनजीओ का तो ये काम था ही नहीं, हम लोग तो आए थे कि संपत्ति निर्माण के क्षेत्र से जो आए थे, हम उद्योग क्षेत्र से आए हैं। ये देश में जान लगभग 90% लोग हैं संपत्ति की निर्मित और वितरण क्षेत्र से जुड़े होते हैं। किसान भी होता है, वो भी प्रोड्यूसर है, ट्रेडर्स, प्रोड्यूसर्स, मैन्युफैक्चरर्स, ये सभी लोगों में एक कॉम्प्लेक्स आ गया, सोच में कॉम्प्लेक्स आ गया कि इकोनॉमिक्स हमारे समझने वाली बात नहीं है, ये सिर्फ इलिट लोगों का है, कोई तज्ञों का, ये विशेषज्ञों की बात है समझने की, हमारे लिए है ही नहीं। आखिर ये हुआ क्या है ये देश में, जिस देश की विरासत इतनी 5000 सालों से भी पुरानी, जिसको हम बोलते हैं, इसमें ऐसे एक बड़े शास्त्र के बारे में समझ नहीं, ऐसा कैसा हो सकता है। धर्म, अर्थ, कर्म, मोक्ष, कर्म यानी काम के लिए हम शब्द यूज करते हैं, कर्म यानी प्रक्रिया के लिए यूज करते हैं, ये चार पिलर तो हमारे तत्वज्ञान की बात है, हम पुरखों से जानते आ रहे हैं कि भाई ये चार पिलर के साथ हम जुड़े हैं, तो हमारी कंफ्यूजन्स कहाँ है। अर्थशास्त्र के परिभाषा में ही हमारे कंफ्यूजन आ गए। अर्थशास्त्र जो हम मॉडर्न इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं कि अर्थशास्त्र ये पैसे का शास्त्र है, वो तो है ही नहीं। अर्थशास्त्र तो ये पैसे का शास्त्र तो है ही नहीं, अर्थशास्त्र ये संसाधनों का शास्त्र है। इकोनॉमिक्स इज नॉट अ साइंस ऑफ मनी, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ रिसोर्सेस। उसका एक डेरिवेटिव है आगे चल के फाइनेंस, जिसको वित्त शास्त्र बोलते हैं, वो पैसे का शास्त्र है, वो डेरिवेटिव्स है और वो पूरी फैलसी है। अभी अर्थशास्त्र और वित्त शास्त्र में है क्या, संपत्ति की जो दो भाग होते हैं, एक होता है धन और दूसरा होता है द्रव्य। धन का मतलब असेट, कि जिसको हम सब यूज कर सकते हैं, टैंजिबल है वो धन। ये मेरा शर्ट मेरा धन है, ये मेरा मोबाइल मेरा धन है, मेरा ये स्पेट मेरा धन है, ये सब धन है जिसका हम सीधा यूज कर सकते हैं। और ये द्रव्य क्या है, लिक्विडिटी, ये सिर्फ एक माध्यम है, विनिमय का माध्यम, इसका सीधा यूज नहीं हो सकता। मेरे जेब की आज जो 100 रुपए की नोट है, मैं उसको सीधा खा नहीं सकता, सीधा पहन नहीं सकता, वो विनिमय के लिए होती है, माध्यम है वो कोई वस्तु नहीं है। अभी वस्तु और माध्यम में फर्क क्या है, और यही सबसे बड़ी गलती हो रही है कि हमारे देश के सभी बुनियादी इसमें जाएंगे कि नींव के हमारे यहां के प्रॉब्लम क्या है, बुनियादी प्रॉब्लम क्या है। हम तो आए हैं कृषि संस्कृति से, भारत की वो विरासत है, वो आए क्यों, क्योंकि हमें एक फेवर्ड ये मिला, क्लाइमेट मिला भारत को, ये जियोग्राफिकल स्टेटस की वजह से।